हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ये वीडियो काफी पहले मुझे लाना चाहिए था, लेकिन मैं लाया नहीं। आज मुझे लगा कि शायद कई लोगों को जो है वो जो नए मंत्री बने हैं उनके बारे में जो है वो बताना जरूरी है। दो चीजें हैं, अगर एग्जाम में पेपर जो है वो पहले बन गया है तो शायद पुराने मंत्रियों का भी आपको जानना जरूरी है, लेकिन क्योंकि मंत्री जो है कोई भी पेपर जो है वो डिपेंड करता है कि वर्तमान में कौन मंत्री है। तो अगर आप वर्तमान के हिसाब से वो ठीक लगाते हो तो वो आपको मार्क्स मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देखते हैं कि 3 पोस्टें खाली थी मंत्रिमंडल की, वो भी भर दी गई है। 3 नए मंत्री बनाए गए थे, चौधरी सुखराम, ठीक है, राकेश पठानिया और राजेंद्र गर्ग। ये 3 नए मंत्री जो हैं कैबिनेट मंत्री वो शामिल किए गए हैं। जैसे आप जानते हैं ना कि हिमाचल में जो है मैक्सिमम 11 से ज़्यादा जो है वो मंत्री नहीं हो सकते, सीएम को मिलाकर 12 से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते, क्योंकि ये संविधान संशोधन है। 15% जो जैसे 68 है यहाँ पे सीटें, तो लगभग आप 11 मंत्री रख सकते हैं प्लस मुख्यमंत्री को मिला के 12 लोग हो सकते हैं, तो उससे ज्यादा आप नहीं रख सकते। यानी कि टोटल यहाँ 11 जो कैबिनेट मंत्री प्लस सीएम को मिला के 12 मंत्री हैं। तो 3 पोस्टें इसमें खाली थी, ठीक है, तो उसमें चौधरी सुखराम को शामिल किया गया और राजेंद्र गर्ग को शामिल किया गया और राकेश पठानिया को शामिल किया गया, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो महेंद्र सिंह ठाकुर अब ये जल शक्ति मंत्री, राजस्व, बागवानी और सैनिक कल्याण मंत्री हैं महेंद्र सिंह ठाकुर, ठीक है। राजस्व, जल शक्ति, जिसको पहले आईपीएच बोला जाता था, अब वर्तमान में उसका नया नाम जो है इरिगेशन और पब्लिक हेल्थ का जो आईपीएच था, ठीक है, अब उसका नया नाम है जल शक्ति विभाग। तो ये पहले भी इनके पास ही था, राजस्व, ठीक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, बागवानी है और सैनिक कल्याण, सैनिक कल्याण भी इनके पास पहले से ही था। सुरेश भारद्वाज पहले शिक्षा मंत्री होते थे, शिमला अर्बन सीट से हैं ये, ठीक है। तो सुरेश भारद्वाज जो है पहले शिक्षा मंत्री होते थे, अब इनके पास जो आ गया वो सरवीन चौधरी का विभाग जो आ गया है, शहरी विकास, टीसीपी, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, हाउसिंग, संसदीय कार्य मंत्री बन गए हैं ये, साथ ही साथ कानून और सहकारिता विभाग, ये सारा जो है अब सुरेश भारद्वाज के पास आ गया है। शहरी विकास, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, हाउसिंग, संसदीय कार्य, कानून और सहकारिता, ठीक है। फिर है विक्रम सिंह, विक्रम सिंह उद्योग मंत्री, वो पहले भी थे उद्योग मंत्री, वो अभी भी हैं। परिवहन मंत्रालय जो है वो इनके पास आ गया है गोविंद ठाकुर से, पहले ये गोविंद ठाकुर जी के पास था, अब इनके पास उद्योग मंत्रालय के अलावा परिवहन मंत्री भी बन गए हैं, साथ ही साथ श्रम और रोजगार मंत्री भी बन गए हैं विक्रम सिंह, ठीक है। रामलाल मारकंडे ये पहले कृषि मंत्री होते थे, अब इनके पास शिक्षा विभाग का कुछ हिस्सा आ गया, जैसे तकनीकी शिक्षा है, जनजातीय विकास तो शायद पहले भी इनके पास ही था, अभी भी इनके पास है, आईटी है और जन शिकायत निवारण, ठीक है। तो कृषि मंत्रालय से इनके पास तकनीकी शिक्षा आ गई है, बाकी जनजातीय विकास इनके पास पहले भी था, आईटी मंत्री और जन शिकायत निवारण, ठीक है, लाहौल स्पीति से हैं ये। राजेंद्र गर्ग घुमारवी के पहली बार विधायक बने हैं, सॉरी पहली बार कैबिनेट मंत्री बने हैं राजेंद्र गर्ग, ठीक है। इनके पास खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, साथ ही साथ प्रिंटिंग और स्टेशनरी विभाग आया है। ये खाद्य, नागरिक आपूर्ति पहले सीएम के पास था, ठीक है, तो राजेंद्र गर्ग घुमारवी से खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के कैबिनेट मंत्री बने हैं, साथ ही साथ प्रिंटिंग और स्टेशनरी विभाग भी जो है वो इनके पास आ गया। वीरेंद्र कंवर ग्रामीण विकास, पंचायती राज मंत्रालय इनके पास आ गया है, साथ ही साथ रामलाल मारकंडे से जो है वो कृषि मंत्रालय इनके पास आ गया, पशुपालन और मत्स्य विभाग भी जो है वो इनके पास आ गया, यानी कृषि, पशुपालन, मत्स्य, साथ ही साथ ग्रामीण विकास और पंचायती राज, ये वीरेंद्र कंवर के पास है अब, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये वीडियो कई बार 3-4 बार देखना तब आपको याद हो जाएगा। सुखराम चौधरी 3 बार के विधायक पांवटा साहिब से, ये भी पहली बार कैबिनेट मंत्री बने हैं। ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा विभाग जो है, एक तरह से ऊर्जा मंत्री बने हैं, ठीक है, और ये अनिल शर्मा के पास था पहले, ठीक है। तो
उसके बाद ये सीएम के पास चला गया था, पोस्ट खाली रही थी, मतलब ये वाला जो है तब काफी टाइम से, लोकसभा चुनाव के समय से ही। तो ऊर्जा मंत्री हैं सुखराम चौधरी, सरवीन चौधरी, ठीक है। ये शहरी और शहरी विकास, टीसीपी, हाउसिंग वगैरह था इनके पास। अब इनके पास जो है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की मंत्री बन गई हैं। तो ये सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग पहले राजीव सैजल के पास था, अब वर्तमान में सरवीन चौधरी के पास आ गया। और ये पहले भी जो है धूमल सरकार जब थी 2007 से 12 के बीच में, तब भी ये जो है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थी, 5 साल तक रही सरवीन चौधरी। फिर है राकेश पठानिया, ये भी पहली बार कैबिनेट मंत्री बने हैं। वन, युवा सेवा और खेल जो है, वन जो वन मंत्रालय है वो इनके पास गोविंद ठाकुर से आया है, ठीक है। तो राकेश पठानिया जो है वो वन मंत्री बने हैं, साथ ही साथ युवा सेवा और खेल मंत्री भी हैं राकेश पठानिया। राजीव सैजल कसौली से विधायक, ये पहले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थे, तो अब इनके पास स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और साथ ही साथ आयुर्वेद मंत्रालय आ गया है। तो स्वास्थ्य मंत्री हैं अब ये राजीव सैजल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और आयुर्वेद मंत्रालय जो है वो राजीव सैजल के पास आ गया। और गोविंद ठाकुर पहले परिवहन और वन मंत्री थे, अब इनके पास जो है वो शिक्षा विभाग आ गया है, उच्च और प्रारंभिक शिक्षा विभाग, साथ ही साथ भाषा, कला और संस्कृति विभाग आ गया इनके पास, गोविंद ठाकुर के पास। जो ये उच्च शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा विभाग था, ये पहले सुरेश भारद्वाज के पास था, अब ये गोविंद ठाकुर के पास आ गया, उच्च और प्रारंभिक शिक्षा विभाग, भाषा, कला और संस्कृति विभाग। अब ये तो हो गए हमारे 11 मंत्री, 11 कैबिनेट मंत्री की ही पोस्ट है यहाँ पर, मुख्यमंत्री को मिलाकर टोटल 12, इससे ज्यादा पोस्टें नहीं हो सकती। अब वर्तमान में अगर हम बात करें वित्त मंत्री कौन है, तो वित्त मंत्री कोई नहीं है, वित्त विभाग जो है वो मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने अपने पास रखा है, सामान्य प्रशासन अपने पास रखा है, गृह मंत्रालय भी उनके पास ही है। तो हिमाचल में वित्त मंत्री और गृह मंत्री जैसी जो पावरफुल पोस्टें हैं वो सीएम जयराम ठाकुर के पास है, कार्मिक विभाग भी उन्हीं के पास है, पीडब्ल्यूडी जैसा भारी भरकम मंत्रालय भी जो है वो उनके पास ही है, विभाग जो है, मंत्रालय नहीं विभाग, पर्यटन विभाग उनके पास है, इनकम, आबकारी और कराधान विभाग उनके पास है, ठीक है। और जो भी विभाग अन्य किसी मंत्री को नहीं मिला है वो सभी इनके पास है। तो मेन वित्त, गृह, पीडब्ल्यूडी, आबकारी और कराधान, पर्यटन, ये सब जो है वो सीएम जयराम ठाकुर के पास है। तो टोटल ये जो नए हिसाब से जो है मंत्रालय में फेरबदल हुआ है, ठीक है, सरवीन चौधरी नई सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री बनी है, राजीव सैजल स्वास्थ्य मंत्री बन गए हैं, शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर बन गए हैं, ठीक है, राजेंद्र गर्ग जो है वो खाद्य और आपूर्ति मंत्री बन गए हैं नए, ठीक है। और 3 नए जो कैबिनेट मंत्री बने हैं वो सुखराम चौधरी, राजेंद्र गर्ग और राकेश पठानिया बने हैं, ठीक है। राकेश पठानिया वन, युवा सेवा और खेल मंत्री हैं, सुखराम चौधरी ऊर्जा मंत्री बने हैं, और राजेंद्र गर्ग खाद्य आपूर्ति, जो खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले और प्रिंटिंग और स्टेशनरी मंत्री बने हैं। तो ये जरूरी था, ठीक है, ये वीडियो आपके लिए, धन्यवाद, थैंक यू।